हेलो स्टूडेंट्स, आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो हो चुका वो हो चुका, जो समय बीत चुका उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो समय अभी बचा हुआ है उसमें हम अच्छे से तैयारी करके टॉप पर जरूर बन सकते हैं। क्योंकि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो ऐसा मत सोचिए कि 2-3 महीने बचे हैं हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, बहुत समय है, आप 1 महीने में भी अच्छी तैयारी करके टॉपर बन सकते हैं। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक महामैराथन क्लास होगा। देखिए, मैंने आपको बताया है हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप 100 में 100 बहुत आसानी से ला सकते हैं। मैं 100 में 90 नहीं कहूंगा, 92 नहीं कहूंगा, 97-98 नंबर लेकर आए हैं हमारे स्टूडेंट, ठीक है, आप भी ला सकते हैं और इस बार लेकर आएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, मैं आपको मैराथन क्लासेस क्यों देता हूं, मैं भी अगर चाहूं तो केवल एक गद्यांश ले लूं, एक पद्यांश ले लूं और वीडियो बना दूं, भाई समय बहुत कम है, आपको मैं इसीलिए मैराथन क्लास देता हूं ताकि कम से कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक महामैराथन क्लास होगा, इसमें हम हिंदी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसी क्लासेज आप डेली देखेंगे, समझ लीजिए टॉपर बनकर आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। सबसे पहले ये जानिए कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश, एक गद्यांश हम पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, कैसे कॉपी में लिखना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, 10 नंबर का ये भी आता है। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 नंबर का ये आता है एग्जाम में। फिर हम किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे या जीवन परिचय, 5 नंबर का। फिर एक कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, 5 नंबर का। फिर हम पढ़ेंगे एक कहानी, 5 नंबर का। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका 45 नंबर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एक इसमें खंड काव्य होता है, अगर खंड काव्य भी हम ले लेते तो आपका खंड का फाइनल हो जाता, ठीक है। तो इतने टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, मैं यही कहूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों। तो देखिए, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले मैं लेकर आया हूं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, यहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल मैं आपको इस वीडियो में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं है, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, सारी चीजें पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता हो भैया स्मार्ट बनिए, तुरंत आंसर दीजिए, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन थे। मतलब भाग्यवती जो है ये हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है, बट इसके लेखक कौन है, का है नवीन चंद्र राय, खा है गोपाल राम गहमरी, गा है श्रद्धा राम फुल्लौरी और खा है देवकी नंदन खत्री। तो भैया श्रद्धा राम फुल्लौरी जी जो हैं ये भाग्यवती के लेखक हैं, और भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास किसे माना जाता है, भाग्यवती ऑप्शन होगा, तुरंत आंसर दे दीजिएगा, इसको सरा बनाइएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और घा है प्रेमचंद्र। तो देखिए, ब्राह्मण पत्रिका जो है इसके जो लेखक है वो प्रताप नारायण मिश्र जी है, मतलब इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है। संयोगिता स्वयंवर आपने सुना होगा इसको, देखिए का है आपका जयशंकर प्रसाद, ये जो सरा है इसको सरा की तरह बनाइएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है श्रीनिवास दास और घा है रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्रीनिवास दास। देखिए, संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है इसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है सदल मिश्र, गा है लक्ष्मण सिंह और घा है लाला श्रीनिवास दास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, ये जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फोर नंबर क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है देखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक है, मतलब सरस्वती पत्रिका किस युग की है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती पत्रिका है किस युग की। का है शुक्ल युग की, खा है द्विवेदी युग की, गा है भारतेंद्र युग की और घा है छायावादी युग की। तो देखिए सरस्वती पत्रिका जो है भैया ये द्विवेदी युग की है, मतलब जो इसके लेखक हैं वो द्विवेदी युग के हैं। कौन है इसके लेखक, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मैं दे देता हूँ। छठवां देखिए क्वेश्चन, संपादन द्वारा लेखों की भाषाएं भाषाई विसंगतियों को दूर किया, किसने दूर किया, मतलब संपादन के द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को किसने दूर किया। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, खा है प्रताप नारायण मिश्र ने, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, घा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। संपादन द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दूर किया। सेवन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। देखिए अभी मैंने ब्राह्मण पत्रिका बताई जिसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। अब प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है, का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है मुंशी प्रेमचंद्र, गा है गणेश शंकर विद्यार्थी और घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, गणेश शंकर विद्यार्थी। देखिए प्रताप पत्रिका जो है इसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। एट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है, इसमें से कौन से कौन है जो निबंधकार नहीं है भैया, जिन्होंने निबंध की रचनाएं नहीं की हैं। का है विद्यानिवास मिश्र, खा है प्रेमचंद्र, गा है कुबेरनाथ रायद और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो हमारे प्रेमचंद्र जी हैं ये एक उपन्यासकार हैं, ये निबंधकार नहीं है, निबंध रचना इन्होंने नहीं की है। तो एट का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन नंबर देखिए, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, आप देखेंगे अगर पेपर्स उठाकर तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम था, रियल नेम। का है गे का, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी का और घा है जैनेन्द्र कुमार का। तो भैया ये राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। ठीक है, ये जानना जरूरी है। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन होगा, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं हंस नामक पत्रिका के संपादक। का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है मुंशी प्रेमचंद्र। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं हंस नामक पत्रिका के संपादक। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पता थे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा फिनिश होता है 10 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश की ओर। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। भैया ये 10 नंबर का आता है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा है। दो गद्यांश आपको दिए रहेंगे, किसी एक को ही सॉल्व करना होगा, 10 नंबर आपको मिलेगा। बस आपको क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि आखिर ये किस पार्ट से लिया गया है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो तो मैं बताऊंगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, पहले आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़िएगा ध्यान से, पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। सिर्फ जो आपका पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है वो अलग से लिखना होगा। ठीक है, जिसको पता होगा लिख लेगा। देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भैया जब मनुष्य नहीं होंगे तो राष्ट्र कहां से होगा। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। अब चैप्टर का नाम तो पता चल चुका होगा, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। पढ़ने से आपको ये पता चला होगा कि ये जो हमारा चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है उसी से ये लिया गया है, क्योंकि सीधा सीधा लिखा देखिए राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, इसके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो देखिए ऐसे आपको गद्यांश दिया गया, नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे इसी गद्यांश से रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जब आप लोग पाठ का नाम पहचान लेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे और आप लोग संदर्भ करके इसको लिख देंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए।
रेखांकित अंश मतलब जिनके नीचे रेखाएं हैं। देखिए यहां से पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है, ठीक है, अपनी भाषा में, कोई जरूरी नहीं है किताबी भाषा यूज करें। तीसरा देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो भैया राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, जब हमारे जब पृथ्वी और जन दोनों नहीं रहेंगे तो राष्ट्र की कल्पना हो ही नहीं सकती। मतलब आप लिख सकते हैं कि मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ऊपर दिया गया है सारी चीजें, देखिए क्या लिखा है, यहां देखिए, पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है भैया, ठीक है, सिंपल सा है। चौथा देखिए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो लिख दीजिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र बनाते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, ठीक है, तो राष्ट्र बनाते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में दिया रहेगा ज्यादातर। पांचवा देखिए, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है, ठीक है, तो पृथ्वी पर जब जन का निवास होगा, जन का मतलब हम लोग, लोगों का निवास होगा, तब वो माता की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। तो ये पांच क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चन रहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ऐसे लेंगे, आपके पास तो पेज रहेंगे ही, जैसे आपको ये वाला गद्यांश सॉल्व करना है तो पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, वो तो डालना ही डालना है, फिर आप लोग ऐसे लिखेंगे मातृभूमि, ठीक है, मतलब इस गद्यांश का फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, पर भी लिख सकते हैं ऐसे मातृभूमि पर डॉट डॉट करके। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हमने यही वाला किया है। फिर लास्ट में है पुत्र हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे पुत्र हैं, पुत्र। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, देखिए मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने यही वाला गद्यांश किया है, क्योंकि क्वेश्चन उतारना नहीं होता, डायरेक्टली आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, दो गद्यांश रहेंगे, एक ही सॉल्व करना है, तो ऐसे लिख देंगे तो उसे पता चल जाएगा भैया यही आपने किया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। चलिए लिख देते हैं, तो ऐसे फर्स्ट हेडिंग डालकर हम लोग देखिए, ऐसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे और एक हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्योंकि पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो संदर्भ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, ठीक है। देखिए जो रंग बिरंगे पेन है उसका यूज मत कीजिएगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए ताकि पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ जाए, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। देखिए ये आपका हिंदी का गद्य है, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे गद्य भाग, ठीक है, गद्य भाग में संकलित, में संकलित, ठीक है, एवं। अब देखिए जो लेखक का नाम लिखेंगे उनकी थोड़ी विशेषता लिख देंगे, देखिए ये जो हमारे हैं ये भारतीय संस्कृति के अध्येता हैं, एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, ठीक है। अब आपको लिखना है लेखक का नाम कौन है, डॉक्टर वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल द्वारा लिखित, द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम हमारे है राष्ट्र का स्वरूप, जो मेन मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, दैट्स अ बेटर, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। आप चाहे तो इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं और अच्छा और एट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, जैसा आपका आपको लिखना है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से, निबंध से अवतरित है, अवतरित है, इस तरह से संदर्भ लिखोगे तो दो में दो पूरे नंबर मिलेंगे। पांच क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन के लिए दो नंबर, तो ऐसे आपको एग्जामिनर दो नंबर दे देगा, ठीक है।
समझ में आया? तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना होगा। पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा गया था, आप चाहते तो पाठ का नाम हेडिंग डाल के राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम हेडिंग डाल के डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिख सकते थे, नंबर तब भी मिल जाएगा। लेकिन संदर्भ में लिखेंगे तो आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों हो गया। मान लीजिए अशोक के फूल चैप्टर का आ जाए, तो ऐसे लिख देना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब सिर्फ आपको पाठ का नाम लेखक का नाम बदल देना है, विशेषता इनकी हटा देनी है, विशेषता जिस लेखक का आप लिखेंगे उनका लिख देना है, ठीक है? तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना है, दो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने का व्याख्या करना है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। तो ऐसा नहीं है कि दो लाइन लिखा है तो दो ही लाइन लिखे, आप बढ़ा चढ़ा कर लिखिए। देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है, दूसरा हेडिंग डाल के लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखिएगा, मेरा मतलब है जो मैंने लिखा है, अगर ये नहीं लिख सकते तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से लिखिएगा, बस उसी से रिलेटेड रहे, नंबर मिल जाएगा। क्योंकि कोई स्टूडेंट गद्यांश को पूरी तरह याद करके नहीं आता, और हो सकता है कि आप याद करें वो ना आए, तब क्या करोगे? तो लिखना आना चाहिए, पाठ का नाम सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन का भी हमने आंसर लिख दिया है, ठीक है? ये सेकंड क्वेश्चन था, इसका भी हमने आंसर लिख दिया, दो नंबर इसका भी कंप्लीट। तीसरा देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो मैंने बताया था आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर अभी कुछ देर पहले। देखिए, राष्ट्र मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब सिर्फ एक लाइन का आंसर, दो नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा, और इसका आंसर ऊपर दिया गया है। देखिए क्या है, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है? समझ में आया? ऐसे चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो राष्ट्र बनाते हैं। ऐसे लिख दीजिए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। देखिए ऊपर लिखा है, यहाँ पे देखिए, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। बस हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हमने 8 नंबर कंप्लीट कर लिया। 5 है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब जैसे ही पृथ्वी पर लोग रहने लगेंगे, वो मातृभूमि हो जाएगी हमारी। हम लोग कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा अगर इस प्रकार से लिखोगे तो, ठीक है? मतलब ये ट्रिक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, मतलब एक गद्यांश दिया रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 का आंसर देंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये आपका हो गया महत्वपूर्ण गद्यांश, आई होप समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश को। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 नंबर का ये भी आता है भैया, ठीक है? और सेम प्रोसेस रहेगा, वहां पे एक गद्यांश आपको दिया गया था, यहाँ पे एक पद्यांश दिया जाएगा। मतलब जो आपका हिंदी का पद्य सेक्शन है, ठीक है, जिसमें कविताएं हैं लगभग, तो उससे ये रहेगा। देखिए पहचानिए किस चैप्टर से है। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुक्त्यान मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ठीक है, मतलब ये जो हमारा पद्यांश है ये हमारे श्रद्धा मनु से लिया गया है, जिसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जो श्रद्धा मनु चैप्टर है ये कामायनी से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है कामायनी, उसी से ये हमारी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है श्रद्धा मनु। ठीक है, मतलब यहां पर श्रद्धा जी के बारे में बोला जा रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे, ठीक है, घुंघराले बाल, मतलब श्रद्धा जी के जो केस हैं वो सुंदर और घुंघराले थे, मतलब वो घुंघराले बाल आपने देखा होगा कुछ लोगों का, ठीक है, अंश और लंबित मुख के पास, यानी कि वे जो बाल है वो उनके चेहरे से होकर कंधों पर झूल रहे थे,
ठीक है। अंश अवलंबित, अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है, मुख का मतलब होता है चेहरा। तो उनके जो बाल हैं वो चेहरे से होकर कंधों पर झूल रहे थे, और कैसे झूल रहे थे, जैसे नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, ठीक है। मतलब कुछ और उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसका मतलब क्या होगा देखिए। नील घन सावक, घन सावक का मतलब होता है शिशु बादल, ठीक है, से सुकुमार सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, ठीक है, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके जो बाल है वो मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो बाल हैं वो ऐसे घुंघराले थे और ऐसे वो झूल रहे थे जैसे मानो अमृत पान, अमृत पीने के लिए नन्हे नन्हे जो बादल हैं वो सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बताया जा रहा है कि उनके बाल ऐसे झूल रहे थे कंधों से जैसे मानो अमृत पान करने के लिए जो बादल हैं वो सागर तल को स्पर्श कर रहे हैं। बादल और सागर कहाँ हैं, दोनों जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। आगे देखिए, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम। और कहा जा रहा है कि उनके सुंदर मुख पर मुस्कान बिखरी हुई थी, देखिए क्या है, और उस मुख पर वह मुस्कान, उनके सुंदर मुख पर बिखरी हुई जो मुस्कान है उसको देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे रक्त किसले पर ले विश्राम, ठीक है, रक्त किसले पर ले विश्राम, वो ऐसा आभास हो रहा था जैसे अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। देखिए भैया, हमारा हिंदी जो पद्य है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, मतलब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी ज्यादातर आपको पता है और हिंदी में कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने बताया ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखिए, मेन तो आपका क्वेश्चन है भाई, वो तो आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, मतलब पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है, वो मैं अभी बताऊंगा, संदर्भ के लिए 2 नंबर मिलेगा आपको। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने की व्याख्या करना है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, इसका आपको व्याख्या करना है। तीसरा देखिए, यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है, तो सिंपल सा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि श्रद्धा जी की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लिख देंगे बिना हिचकिचाहट के कि यहाँ श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। चौथा देखिए, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। पांचवा देखिए, अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। अम्लान और अभिराम, देखिए अम्लान का मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है, और अभिराम का मतलब होता है मनमोहक, ठीक। तो ये होता है, अभी मैं बताऊंगा एक एक को। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे उसको हमने सॉल्व किया था। तो सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना होगा, वो मैं यहाँ पे नहीं डालने वाला। देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड लेंगे, घिर रहे, घिर रहे, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, फिर डॉट 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 करके ऐसे करेंगे, और लास्ट वर्ड इसका लिखेंगे देखिए, अभिराम, हो अभिराम, या ऐसे अभिराम भी लिख सकते हैं, हो अभिराम, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब एक हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा, संदर्भ, जैसे उसमें लिखा था, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो ऐसे 1 करके लिखिएगा, ठीक है भाई। मैं बता दूं, अभी तो मान लीजिए मैं लोकल कॉपी लिख रहा हूं, आप एग्जाम की कॉपी जब लिखेंगे तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो संदर्भ कैसे लिखोगी, वही सेम प्रोसेस, यहां पे पद्यांश है तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ प्रस्तुत पद्यांश, इसमें इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम कवि का नाम लिख देंगे, श्री जयशंकर प्रसाद, श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी, देखिए ये जो रचना ली गई है ये कामायनी से लिया गया है। कामायनी एक बड़ा महाकाव्य भैया, महाकाव्य है, तो कामायनी से ये छोटा सा शीर्षक लिया गया है। तो कामायनी महाकाव्य से, महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के, देखिए पद्य भाग है, वो आपका गद्य भाग था तो यहां पे लिख देंगे पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित,
में संकलित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, ठीक है। देखिए ये लिया गया है श्रद्धा मनु से, तो ऐसे लिख देंगे श्रद्धा मनु, ठीक है। शीर्षक कविता से, शीर्षक कविता से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। मतलब आपको पाठ का नाम श्रद्धा मनु और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जरूर लिखना है, ठीक है। और जैसा मैंने गद्यांश में बताया था, आप वैसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के, ठीक है, हिंदी पद के ऐसे लिखना है जैसे मैंने उसमें बताया था भाई, जैसा बताया था वैसे अगर लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो आपका दो नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने का आपको व्याख्या करना है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, बस इतने का व्याख्या। तो देखिए इसको मैं अपनी भाषा में स्टाइल से लिखूंगा। देखिए, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। उनके जो बाल हैं घुंघराले बाल, वो ऐसे झूल रहे थे जैसे मान लो कि कोई बादल का नन्हा सा बादल जो है वो अमृत पान करने के लिए सागर तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। बस यही आपको लिख देना है, दो नंबर यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे। तीसरा देखिए, यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? तो देखिए मैंने बताया था श्रद्धा जी के, तो तीसरे का आंसर होगा यहाँ श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया, श्रद्धा ऐसे लिखिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के थोड़े से लॉन्ग दिखेंगे, बाकी सब एक एक लाइन का आंसर रहेगा। चौथा देखिए, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऐसे लिख दीजिए सीधा सीधा कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बस हो गया। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्लान और अभिलाम शब्दों का अर्थ बताइए, अम्लान और अभिराम, तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा। देखिए अम्लान का अर्थ स्वच्छ या स्निग्ध है और अभिराम का अर्थ मनमोहक होता है, ठीक, बस हो गया। तो इस प्रकार से आपका पांच क्वेश्चन रहेगा पद्यांश में, एक क्वेश्चन के लिए दो नंबर, टोटल 10 नंबर ले जाइए, फ्री के रखे होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बस आप पाठ को पहचानिए, थोड़ा अच्छे से उसको लिखिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा भैया, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। अभी हमने सिर्फ तीन टॉपिक पढ़े हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश। अब हम चलते हैं जीवन परिचय की तरफ। तो देखिए लेखकों के जीवन परिचय में हमने लिया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उनका क्यों नहीं लिया? देखिए उनका मैं पहले बता चुका हूँ, ये हिंदी का पहला मैराथन क्लास नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको हिंदी के मैराथन क्लास प्रोवाइड करवा चुका हूँ, नहीं देखो हो तो सर्च करके देख लो। उसमें मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल सबका जीवन परिचय बता दिया है, बार बार वही लेना उचित नहीं है, तो मैंने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का इसमें लिया। देखिए जब भी ट्वेल्थ में एक कन्फ्यूजन आपको रहता है कि सर जीवन परिचय लिखें या साहित्यिक परिचय लिखें, तो देखिए आपके एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय आता है, पांच नंबर अगर लेना है, मैं यही प्रीफर करूंगा आपको कि छोटा सा जीवन परिचय पहले लिख दीजिए, एक जीवन परिचय हेडिंग डालिए, उनका जन्म और उनकी मृत्यु केवल लिखिए, बाकी कुछ मत लिखिए। और साहित्यिक परिचय आपको मेनली लिखना है, साहित्यिक परिचय, और अगर आप लोग चाहें तो केवल साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पहले छोटा सा हेडिंग आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई लेकिन ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें सिर्फ यहां से लेकर इनका जन्म यहां तक हुआ था बस, ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 2005 में हुई, आप इतना ही लिखें तो भी बेटर है, ठीक है, और इतना बड़ा लिख देंगे तो और अच्छा है, जैसा टाइमिंग रहेगा वैसा आप लिख दीजिएगा। फिर मेन हमारा आता है साहित्यिक परिचय, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखना होता है कि साहित्य में इन्होंने कैसी रचनाएं की, क्या क्या किया, कैसे रहे, ठीक है। देखिए जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल,
तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया। मतलब जो जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इन्होंने दक्षिण भारत की जो चारों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उनमें साहित्य का इतिहास इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब वैसे वो तेलुगु भाषी थे, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य में भी अपनी रचनाएं करके, हिंदी भाषा में भी रचनाएं करके खुद को श्रेष्ठ साबित किया। भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले वालों में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी पर्व प्रमुख है। ठीक है, तो इतना आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। सब नोट करते रहिएगा। अगर आप लोग नोट, आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैंने बताया था हमारा शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां सारे नोट्स मिलेंगे। आते हैं रचनाओं पर, क्योंकि आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखिए, तो रचनाओं को लिखना जरूरी है। तो अब तक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा है वैचारिकी, छठवां है शोध और बोध, सातवां है तेलुगु वारुल, आठवां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया ये अंग्रेजी ग्रंथ है, अंग्रेजी में ये संपादित की गई ग्रंथ है, अंग्रेजी में। ठीक है, तो इतनी ग्रंथ इनके संपादित हो चुकी हैं अब तक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लेखक का जीवन परिचय। इसमें सिर्फ साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां भी लिख सकते हैं, लेकिन जीवन परिचय छोटा सा लिखेंगे, दैट्स अ बेटर। ठीक है, तो ये हो चुके हैं, इनको हटाएंगे हम और लाएंगे हम अब हम कवि को। देखिए, कवियों में हमने लिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी को। आप लोग कहेंगे सर इसमें महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत जी हैं, तो मैं आपको पहले भी मैराथन क्लास दे चुका हूं, उसमें मैंने उन सारे कवियों का जीवन परिचय बता दिया। आप अलग से भी सर्च करेंगे आ जाएगा, बस पीछे शुभम लेक्चरर लगा दीजिए, आप कुछ भी सर्च करिए, जैसे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, शुभम लेक्चरर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी छोटा सा जीवन परिचय लिखेंगे, मैंने बड़ा लिख रखा है, आप लोग इसमें से 4-5 लाइन को चूज कर लीजिए और छोटा सा लिखिए। देखिए, अज्ञेय जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में करतारपुर जालंधर में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु लिखनी है, ये बीच में जो लिखा है ये मैं वैसे बता रहा हूँ। ये वत्स गोत्र और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुराने ढंग से अष्टाध्यायी रटकर संस्कृत में हुई, इसके बाद इन्होंने फारसी और अंग्रेजी सीखी। इनके आगे की शिक्षा मद्रास, चेन्नई और लाहौर में हुई। 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। बस आप लोग क्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक लिखिए। ठीक है, इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, और लास्ट में लिख दीजिए 4 अप्रैल 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया। बस छोटा सा लिखना है, मेन आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। देखिए, साहित्यिक परिचय, अज्ञेय जी की रचनाओं में उनका व्यक्तित्व बहुत मुखर रहा है। वे प्रयोगवादी कवि के रूप में विख्यात हैं और उनकी प्रतिभा निरंतर परिमार्जित होती जा रही है। ठीक है, मतलब उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। काव्य का ही एक रूप प्रयोगवादी काव्य के, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य के आंदोलन में प्रतिफलित हुआ। इसका परिवर्तन तार सप्तक के द्वारा अज्ञेय जी ने ही किया था, तो तार सप्तक के संपादक यही है। इन्होंने अपने कलात्मक बोध, समृद्ध कल्पना शक्ति और संकेतमयी अभिव्यंजना द्वारा भावना के अनेक नए अनछुए रूपों को उजागर किया। इतना आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। रचनाओं में देखिए, इनका प्रमुख रचनाएं आंगन के पार द्वार, सुनहले सहवाल, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से भी। तीसरा है पूर्वा, चौथा है हरी घास पर क्षण भर, पांचवा है बाबरा अहेरी, छठवा है अरी ओ करुणामय प्रभामय, सातवा है इंद्र धनुष रौंदे हुए ये। ठीक है, आठवा है कितनी नावों में कितनी बार, नाइन नंबर है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, दसवां है इत्यलम, ग्यारहवां है चिंता, बारहवां है सागर मुद्रा, 13 नंबर है महाब्रिज के नीचे, 14 नंबर है भग्न दूत, 15 नंबर है रूपामरा, 16 नंबर है नदी के पार द्वार। ठीक है, और लास्ट में है छाया, और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है, यानी कि बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की थी। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी, तो ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया, थोड़ा दूसरे तरह से बहुत सारी रचनाएं हैं, तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बुक में भी देख लीजिएगा। अब आते हैं कहानी पे। देखिए, कहानी जो है आपके हिंदी में 5 मार्क्स का आता है। इसमें 2 कहानी बहुत ज्यादा फेमस है आपके 12th में, एक है पंचलाइट, दूसरा है बहादुर। ठीक है, तो हम इसमें बहादुर कहानी को पढ़ेंगे। देखिए क्या है,
अमरकांत जी द्वारा बहादुर कहानी का सारांश हम पढ़ेंगे। देखिए दो जो कहानियां हैं ये दो तरीके से आती हैं, एक तो इनका उद्देश्य जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का उद्देश्य, ठीक है, दूसरा है दोनों का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश। तो इसमें मैंने लिया है बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। तो देखिए आखिर ये है क्या, पूरा मैं कहानी बता देता हूँ आपको, बस ध्यान से समझिए सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब अमरकांत जी द्वारा लिखी जो बहादुर कहानी है ये एक मिडिल क्लास फैमिली में नौकर के साथ किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब नौकर के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की। देखिए अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं सहन को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब निर्मला जी जो है वो अपने रिश्तेदारों में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ नौकर को देखते हैं कि उनके यहाँ नौकर काम करते हैं, शान शौकत से रहते हैं, तो वो भी सोचती हैं कि हम भी एक नौकर रख लें, ठीक है। फिर बहादुर जो है एक लड़का है, नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। मतलब बहादुर जो है वो जब अपने घर पर था तो उसकी माता जी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, ठीक है। अब भाई किसी की माँ जो है वो वैसे ही नहीं बोलेगी, कुछ गड़बड़ी थी तभी बोलती थी, ठीक है। तो बुरा व्यवहार वो करती थी, इसलिए वो घर छोड़कर पहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी कि निर्मला को नौकर की जरूरत थी तो वो जो है उनके घर में नौकर के रूप में एज अ सर्वेंट काम करने लगता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। भाई नया नया आता है तो सब बहुत अच्छे से रखते हैं, ठीक है। जैसे हम कपड़े अगर नए ले आए तो उसको बहुत अच्छे से रखेंगे, जैसे दो चार दिन पहन लेंगे, अरे यार छोड़ो, ठीक है, दूसरा ले आएंगे। तो निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो कठोर प्रकृति के हो जाते हैं। फिर वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद इसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब जो बहादुर निर्मला के घर पे कार्य करता था नौकर के रूप में, पहले तो उससे अच्छे से व्यवहार किया जाता है और बाद में उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है, ठीक है। जब इतना कुछ हो गया अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। फिर वो घर छोड़कर चला गया, भाई जो अपने नहीं काम आएंगे तो दूसरा कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदि हो चुके थे। मतलब बहादुर सारा काम घर का करता था, जैसे ही वो चला गया तो घर का काम कौन करेगा, ठीक है। सब लोग एकदम आराम के आदि हो चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है, अब वो उसको ढूंढने में लग जाते हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब उसका घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने सुना होगा। पछताने से क्या होगा जब सब कुछ हो चुका है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। मतलब अगर कहानी में एक वर्ड में कहूं तो बहादुर जो है, ये जो कहानी है ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ की गई कटु व्यवहार की कहानी है, ठीक है। तो क्या होता है कि नेपाल का एक 12 से 13 साल का लड़का जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार के कारण घर छोड़कर शहर चला आता है, फिर निर्मला जो है जो लेखक की पत्नी है वो उनको अपने यहाँ नौकर के रूप में रख लेती है। पहले तो बहादुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में धीरे धीरे उसके साथ वो कठोरता बरतने लगते हैं और क्या करते हैं, गाली गलौज उससे करते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। और इतना ही नहीं, बहादुर को झूठी चोरी के इल्जाम में उसे पीटा भी जाता है। फिर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। भाई इतना ज़्यादा कोई टॉर्चर करेगा तो घर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, वो घर छोड़कर चला जाता है। फिर सारे लोग उसको ढूंढते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फिर क्या होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वो चला गया तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा क्योंकि सभी लोग आराम के आदि हो चुके थे। बहादुर सारा घर का काम करता था, किसी को करने नहीं देता था, खुद करता था, ठीक है। वो चला गया तो सब लोगों को खुद का काम करना होगा, ठीक है। तो ये कहानी इसी पर डिपेंड है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल ये आज की कहानी है। तो ये था आपका बहादुर कहानी का सारांश। आगे बढ़ते हैं,
तो देखिए आपकी क्लास 12 हिंदी का पूरे बुक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं पर फिनिश होता है। जितने टॉपिक मैंने बताए थे आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, कहानी, सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, लगभग 45 नंबर के टॉपिक। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।